दौलत का नशा और नशे का सुरूर जब से चढ़ जाए तो जिम्मेदारी कहीं पीछे छूट जाती है और उभर कर सामने आती है सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। इसकी मिसाल हरियाणा के जिला यमुनानगर में देखने को मिली। यहां एक शख्स नशे में लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से कार चला रहा था और शहर के ट्रैफिक से भरे चौक पर साइकिल बाइक एक्टिवा सवार को रौंदते हुए एक खड़ी गाड़ी में जा टकराई। स्पीड इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदारों को भागने का भी मौका नहीं मिला और देखते ही देखते तीन लोग कार की चपेट में आ गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सारा मंजर दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार कार सवार की तलाश शुरू कर दी है। दौलत का नशा और नशे का सुरूर चढ़ा हो और हाथों में हाई स्पीड कार की स्टीयरिंग हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स के लिए आम इंसान की जान की कीमत क्या होगी। सीसीटीवी में कैद ऐसा ही एक नजारा देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर शहर के प्यारा चौक की है। चंद सेकंड में एक हाई स्पीड कार ने शहर के मुख्य चौक पर लोगों को रोंदते हुए हाई स्पीड कार ने एक खड़ी कार को टक्कर मार दी। यह कार यही नहीं रुकी, इसके बाद मुख्य चौक पर दो स्कूटी सवार को अपना निशाना बनाया और इतने में गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लेकिन सीसीटीवी में दिखाई दे रही कार खड़ी कार में जाके ना लगती तो ना जाने कितने और लोगों को हाई स्पीड कार रोंद देती। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार आजाद नगर की तरफ से पहले आई, उसने एक साइकिल वाले और साथ खड़ी एक महिला को टक्कर मारी और उसके बाद टेंट वाली दुकान से होती हुई मेरे घर के बाहर खड़ी कार को टक्कर मारी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी सड़क पर पहुंच गई और उसके बाद गाड़ी ने प्यारा चौक दो लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद कार सवार गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। गाड़ी में तीन से चार लोग थे और नशा कर रहे थे। यह लगभग 4:30 बजे की घटना है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया और कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से आसपास के सीसीटीवी की रिपोर्ट कब्जे में ले ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे को सूचना मिली थी कि प्यारा चौक के पास एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, दो तीन आदमी इंजर कर दिया है। तो हम मौके पर गए वहाँ पर, तो वो अपना इंजर्डों को तो एम्बुलेंस ले गई थी हॉस्पिटल में और वो गाड़ी थी जो गाड़ी को हमारे ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ रोक लिया था, वो गाड़ी को हमने कब्जे में ले लिया और उनके जो आरोपी हैं तलाश है। कहाँ ये कार? इधर से अपना आजाद नगर की तरफ से आई थी और इन्हें पहले तो साइकिल वाले को टक्कर मारी है, फिर अनबैलेंस हो गया है, स्पीडली था, तो उसके बाद इन्होंने जब एक्सीडेंट कर दिया तो वहाँ उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने उनको वहाँ पर रोक लिया। गाड़ी में ये नहीं पता लग पा रहा कितने थे, एक या दो थे, बाकी उनकी जाँच क्लास जारी है, जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, उसमें जाँच रहे हैं, उसको भी कब्जे में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।